हमारा जो म्यूजिक है और हेडमास्टर और आल्सो हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। बच्चों जोर से तालियां की बजाएं। ओके, वेलकम टू 2024-25 कला उत्सव एट जोनल लेवल, our lovely place Thatri and boys high school Thatri. Honorable guest of our program SGM sir, tehsildar sahab and worthy principal sir, also the zonal in charge education officer, honorable judges, escort teachers and the loveliest of the lovely students from different schools, on behalf of the institution I take this privilege to welcome from the bottom of my heart each and every one present here to celebrate the Kala Utsav. Sub Divisional Magistrate Thatri, respected Tehsildar Thatri, हमारे different schools से escort teachers और प्यारे बच्चों सबको good morning. ये मैं सबसे पहले अपने वर्दी SGM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से. तहसीलदार Thatri हमारे बीच में आए, अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला. ये हमारा कला उत्सव का प्रोग्राम 2024 जो जोनल लेवल पे जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, इससे पहले हमने सर क्लस्टर लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाया. हमारे 6 क्लस्टर थे, 6 क्लस्टर में से बच्चे सेलेक्ट होके जहाँ पे आए हैं और अब जो जोनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होगा आज, और जहाँ से बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जाएंगे उसके बाद हमारे डिविजनल लेवल के ऊपर और उसके बाद यूटी लेवल के ऊपर. तो ये कला उत्सव बच्चों के अंदर इनर टैलेंट जो है उसको हमने बाहर लाना है. डिफरेंट बच्चों ने बड़े जोश से तैयारी की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे बेस्ट परफॉर्म करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सिलेक्ट होकर जाएंगे और आगे भी यूटी लेवल तक पहुंचेंगे. मैं एक बार फिर अपने वर्दी SGM साहब का, अपने तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, एक बार सब टीचर्स का, सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया. ये प्रोग्राम हमें पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे बेस्ट परफॉर्म करेंगे बच्चे और यूटी लेवल तक पहुँचेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. रिस्पेक्टेड SGM साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, हेडमास्टर बॉयज हाई स्कूल, स्टाफ मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस कला उत्सव में आप सबका स्वागत करता हूं और ऑर्गेनाइज़र को ढेर सारी बधाइयां देता हूं. अपने हुनर को तराशने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने बोला कि क्लस्टर लेवल पर पहले ऑर्गेनाइज किया, फिर आप जोनल लेवल पर हो रहा है, फिर आपको मौका मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट करने का, फिर आप हायर लेवल यूटी लेवल पर जाके कम्पीट कर सकते हैं. ये अलग अलग स्टेजेस से जब आप निखार के आएंगे तो आपके हुनर को आपको एक नई पहचान मिलेगी और नए मकाम में जाके आप अपना नाम कर सकते हैं. तहसीलदार साहब, जज साहब, डिफरेंट क्लस्टर से आए हुए उस्ताद कराम, जिन्होंने अपने बच्चों को क्लस्टर से बहुत ही मेहनत से, लगन से उनको तैयार करके इस जोनल लेवल तक पहुंचाया है, इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं. हर एक जोन की, हर एक क्लस्टर की ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि उनके बच्चे आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना नाम, अपने जोन का नाम, अपने क्लस्टर का नाम रोशन करें. सब को आपसे बहुत ही एक्सपेक्टेशन है. उस्ताद अकराम ने बहुत मेहनत की है आपको ये जो कला उत्सव जो प्रोग्राम है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, इनमें आपने परफॉर्म किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, साथ में जजेस साहिबान को
मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं इनकी बारीकी को बहुत ही अच्छे अंदाज से सेंसिटिविटी से देखें। दुआएं हैं कि ये बच्चे इस डिवीजन से इस जोन से कामयाब होकर आए। खुदा हाफिज़। चलो चलिए पडर मचेला ओ जिथे लगिया मांदा मेला हो चलिए जाना पाडरे मचेला हो चलिए जाना पाडरे मचेला हो। अस्सलामु अलैकुम वादा, मेरा नाम सुहाना मुख्तियार है और मैं आप सबके सामने एक कहानी पेश करना चाहती हूँ। उसका उन्वान है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार की बात, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु जी रहा करते थे। वो बड़े ही दयालु थे, वो किसी का भी विरोध नहीं करते थे। साधु जी बड़े ही दयालु और शांत मन के थे। चंद पलों में सब कुछ तहस नहस होने वाला। अरे वो क्या जा रहा है? वो तो एक ट्रेन है, B-20 नहीं, ये हमारा प्लेन तो नहीं है। अरे उड़ी की प्लेन, ये कुछ गिरा रहा है। अरे ये तो बम गिरा रहा है, ये हमें मार देगा, ये गिरा रहा है। पर भी एक इमारत आ गिरी। तुसी निका निका हसदे हो, तुसी निका निका हसदे हो, तुसी निका निका हसदे हो, तुसी निका निका हसदे हो। कसम खुदा दी चना मेरे दिल विच वसदे हो, मेरे दिल विच वसदे हो। ते उड़ां बन के पतंग माया, कसम खुदा दी चना मेरे दिल विच वसदे हो, मेरे दिल विच वसदे हो। तुसी निका निका हसदे हो, तुसी निका निका हसदे हो। होवे नीला रंग माया, कसम खुदा दी चना नाल कैंसर गानू है, जस नाल त्यूंदा खोरा। तस नाल कैंसर गानू है,
जस नाले त्यों दा खोरा तुस बिता निसे धोखे बाज टुटुवन तुशु मेरो साथ उंडे बेशा गल सुनी गात टुटुवन तुशु मेरी साथ जंगलन फूड़ू फुला फुला तेरी बागा याद की जो इजने लगी पुरानी ओ यादा जंगलन फूड़ू फुला फुला तेरी बागा याद की जो इजने लगी पुरानी ओ यादा ओ दिल लेता तुसे दिल मेरो टोड़ो याद तुशी जे बार बार दिल लेता तुसे दिल मेरो टोड़ो याद तुशी जे बार बार सत जन्नत कर नहीं आता दी नहीं फता वलई में मोजी मैं हयो सुम चौनुई सठा दी नहीं फता वलई में मोजी मैं हयो सुम चौनुई सठा तू ना पूछे कोई अश्विना ती कुन भोरुए है तू ना पूछे कोई अश्विना ती कुन भोरुए ओ दिल छन के लेरा देते हाय ओ दिल छन के लेरा देते तुशु बाडनु भूरुए उतरे पड़े ट्यूड़ इतरु ना लड़ी उतरे पड़े ट्यूड़ इतरु ना लड़ी के नी समझावन जसे कची हरी ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सबका लहरा हुआ था एक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने
अपने ज्ञान से युक्त अनेक ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों ने करोड़ों युवाओं को एक नई राह दिखाई। तो आइए आज हम सभी मिलकर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी पर नजर डालते हैं। हरी मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूँ, फिर भी मैं आज तक अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं, ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरे इस पालतू कुत्ते को बाहर घुमा कर ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति जो था वह कुत्ते को लेकर बाहर घुमाने के लिए चला गया। थोड़ा समय बीतने के बाद वह व्यक्ति जो है वापिस स्वामी जी के पास लौट आया और बोला, स्वामी जी मैं कुत्ते को घुमाकर ले आया हूँ। स्वामी जी कहते हैं, ठीक है, परंतु ये कुत्ता इतना हाँ क्यों रहा है? तो आज मैं बात करने वाली हूँ रतन टाटा के बारे में। कौन थे रतन टाटा? रतन टाटा के बारे में आज मैं आपको कुछ शब्द बताना चाहती हूँ, मुझे आशा है कि आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि हम रोड पर ट्रैवल करते हैं तो मोटर कार्स वगैरह टाटा के ब्रांड के होते हैं, कपड़े पहनते हैं वो टाटा के ब्रांड के होते हैं, और इवन कि जो हम खाना में जो नमक डालते हैं वो भी टाटा ब्रांड का होता है। तो आपको क्या लगता है कि टाटा कंपनी ऐसे ही रातों रात मशहूर हो गई? नहीं, इसको कम से कम 200 साल लगे हैं। कितनी मेहनत करने के बाद ये टाटा कंपनी जो है अपने डेस्टिनेशन अपने सक्सेस पर पहुंची है। अलावा इकबाल ने बहुत अच्छा लिखा है, मुश्किल हालात के लिए आप बच्चे धूप में बैठे हैं, अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं है। वो कहते हैं, दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा गर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। और टीचर्स के लिए लिखा है कि मैं तो शाख ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लालो वफाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। थैंक यू सो मच। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, ओ मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं ओ हैरान। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो बच्चे थोड़ा पीछे रहे, हार ना कहना गलत है, थोड़ा पीछे रहे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर तुम, कुछ ही किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, क्राई जॉय ट्राई, जीते खुश हुए, हारे रोए, तीसरा ऑप्शन है ट्राई। आपका ऑप्शन है, आप क्राई करना चाहते हैं, जॉय या ट्राई, क्या चूज करेंगे? हम तीन मेजर से हम ट्राई को चूज करेंगे। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब और जून के ZDO इंचार्ज साहब, और इस प्रोग्राम के जो हम कहेंगे सब कुछ, राकेश्वर जी,
जो जंगलवास तलक रखते हैं, और हमारे जो हम सफर साथी लेक्चरर मास्टर टीचर्स, बाहर से आए हुए कुछ मेहमान भी हैं, प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, खुसूसी यहाँ प्रिंसिपल साहब का, कि क्योंकि जब से ये आए हैं ये प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, और हमने भी देखा कि क्या कोई और भी खेल होती है। सबका शुक्रिया जो बाहर से लोग हैं, टीचर है, मास्टर है, लेक्चर, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया और इस प्रोग्राम को अच्छा बना लिया। शुक्रिया। आ जाओ सारे।